माँ की बात की थी, मानुष की बात की थी, माटी की बात की थी, पर ये तो हमें नहीं बताया गया था कि हम तस्करी करेंगे। कोयले की तस्करी हो रही है, बताइए कोयले का तस्कर का माफियों का सरगना कौन है? जोर से बताइए, जरा पत्रकार भी सुने, कौन है जरा जोर से बोलिए। कोयले का माफियाओं का सरगना कौन है? ये पत्रकार लोग सुनिए, जनता बोल रही, मैं नहीं बोल रहा हूं। बताइए कोयले के माफियाओं का सरगना कौन है? सेंट माफियाओं का सरगना कौन है प्रदेश में? गोल्ड माफियाओं का सरगना कौन है पश्चिमी बंगाल में? इस सिंडिकेट राज और टोलाबाजी का सरगना कौन है पश्चिम बंगाल में? ये भाइयों को संरक्षण क्यों दे रही हो दीदी? ये माफियाओं को संरक्षण क्यों दे रही हो दीदी? और इसीलिए आपका भतीजा, आपका भाई को माफियाओं का सरगना है और आपका हाथ उसके ऊपर है, आपका हाथ उसके ऊपर है। इसलिए जनता ने आशीर्वाद दे दिया भारतीय जनता पार्टी को, ये जनसेना इस बात का गवाह है। मुझे कहते हैं बहुत गर्व, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए योजना दी, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, 8 करोड़ गरीब महिलाओं के घर में गैस का चूल्हा उज्ज्वला योजना के माध्यम से दिया गया। 8 करोड़ में से पश्चिमी बंगाल में 82 लाख परिवारों के घर निशुल्क गैस का चूल्हा मिला है। मिला है कि नहीं? हमारी माता बहनें जरा बताएं, गरीब महिलाओं को मिला है कि नहीं मिला, जरा हाथ ऊपर करके बताएं। जिनको नहीं मिला उनको भी इस बार फिर मोदी जी ने कह दिया 1 करोड़ फिर दिए जाएंगे, उसमें फिर बंगाल की महिलाओं को भी गैस का चूल्हा मिलने वाला है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया, जब आजादी के 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे इस देश के अंदर एक भी गरीब व्यक्ति ऐसा नहीं होगा। ज्ञान मनस्तंग ब्रह्म सत्य अंतहीन, সত্যের খোঁজও তাই, সত্য সন্ধানে তাই আমরা অক্লান্ত অকুতোভয়। এবিপি আনন্দ নতুন ভাবনার প্রতীক, যা মনে মুক্ত, তথ্যে যুক্ত এবং যাবতীয় সীমানার বাঁধন থেকে মুক্ত। সীমা না শব্দটির মধ্যে লুকিয়ে আছে মানা শব্দটি, যেন চোখ রাঙানি এক অদৃশ্য বেড়াজাল যা আটকে রাখে আমাদের এক ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে। একমাত্র সঠিক খবরই গড়ে তুলবে এক মুক্ত সমাজ। সেই জগৎ গড়ার লক্ষ্যে কোনো সীমানার ঠুকুটি আমরা মানব না। এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।